हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये अर्टिका गाड़ी है तो इससे कोई भी कार हो तो इसमें क्या होता है, ये फाइबर पार्ट रहते हैं सारे के सारे अंदर के, वो आवाज़ करने लगते हैं। तो उसका आवाज़ किस तरह से बंद किया जाता है इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। डोर के अंदर डंपिंग प्रोसेस किस तरह से होती है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। चलो इसे शुरू करते हैं। कार चलती है तब रफ रोड पे फाइबर आवाज़ करने लगते हैं तो इसका नॉइस आता है, उसे हम बंद करने वाले हैं। तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें इस फाइबर का कवर को रिमूव करना रहेगा। रिमूव करने के लिए दोस्तों, एक यहाँ पर स्क्रू रहता है, एक यहाँ पे स्क्रू रहता है, और यहाँ पे जो यह फाइव पार्ट लगा हुआ होता है उसे खींच के हमें रिमूव करना रहता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से साइड पर भी यह पुश बटन लॉक लगे हुए होते हैं, तो उसे भी हमें रिमूव करना रहता है। ठीक है, बोलो। दोस्तों, यह सब बोल्ट निकाल देने के बाद इसे नीचे से खींच के इस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं इसे। दोस्तों, यहाँ पे अंदर लगे हुए जो सॉकेट होते हैं उसे भी हमें रिमूव कर देना है। तो दोस्तों, जब पुराने हो जाते थे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लॉक नहीं है। जिस तरह के लॉक रहते हैं वो सब जगह पे कम्प्लीटली बैठने चाहिए, और ये लॉक भी होते हैं और टाइम के साथ ख़राब हो जाते हैं, तो हमें इसे भी रिप्लेस करना होगा। और जहाँ जहाँ लॉक नहीं है वहाँ पे लॉक डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या ये अच्छी तरह से फिट हो जाए और आवाज़ ना करे। तो दोस्तों, इस तरह के लॉक जो मार्केट में मिलते हैं उससे हमें इंस्टॉल करना होता है, ताकि डोर है अच्छी तरह से लॉक हो सके। फिर दोस्तों, ये डोर अच्छी तरह से टाइट बैठे इसलिए हमें कुछ कुछ पार जगह पे थर्मोकोल शीट है उसे डालेंगे, ताकि क्या हो कि अंदर से फाइबर हिलने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, एसआर की मदद से हम थर्मोकोल को इसके साथ टुकड़े है उसे लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि फाइबर है वो टाइट फिट हो सके। तो दोस्तों, इस तरह से हमें थर्मोकोल शीट के जो टुकड़े रहते हैं उसे अच्छी तरह से चिपका देना है, ताकि ये टाइटली फिट हो सके। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर जो थर्मोकोल के टुकड़े हैं अच्छी तरह से लगा दिए हैं, ताकि क्या हो सके इसे यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए, वो सपोर्ट मिलने की वजह से क्या ये आवाज़ नहीं करेगा। अब हम इसे फिर से इंस्टॉल कर देंगे। जो लॉक ख़राब हो गए वो सारे के सारे लॉक चेंज कर देने हैं, और इस तरह से थर्मोकोल के टुकड़े हैं उसे लगा देने हैं। दोस्तों, तो अब हमें सारे सॉकेट निकाले थे, सारे सॉकेट वापस से लगा के इसे इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों, ये सब जगह से परफेक्टली लॉक हो जाना चाहिए। कोई भी लॉक अगर नहीं रहेगा तो वो साइड पे वो लूज़ रहेगा, इसलिए मैं लॉक नहीं डालने के बाद सब साइड से परफेक्टली फिटिंग हो जाना चाहिए, और बाद में जो जो स्क्रू हमने निकाला था वो सारे के सारे वापस से डाल देने हैं। और दोस्तों, बीच में हमने थर्मोकोल शीट डाला है तो इस स्क्रू को डालने के लिए हमें यहाँ से थोड़ा प्रेस करना होगा, बाद में ये फिट हो पाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हमने इसे वापस से कम्प्लीटली इंस्टॉल कर दिया है, और हमें यही प्रोसेस है वो सब डोर के साथ करना है दोस्तों, ताकि क्या हो कि कोई भी डोर का फाइबर है वो आवाज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं डिकी का फाइबर है वो भी पूरी तरह से आवाज़ कर रहा है, तो इसे भी हमें प्रोसेस वही करना होगा। दोस्तों, इसके अंदर भी जो लॉक ख़राब हो गया उसे हम रिप्लेस कर देंगे, और इसमें भी फाइबर वो थर्मोकोल की शीट है उसे लगा देंगे। दोस्तों, जहाँ जहाँ पे लॉक नहीं हो गया वहाँ पे नया लॉक डाल देंगे। दोस्तों, मैं टुकड़े इतने साइज़ के काट ले जैसे यह लॉक की साइज़ के यहाँ तक आ जाए, क्योंकि क्या हो ये लॉक तो वहाँ पे फिट हो गया तो ये डायरेक्ट सपोर्ट में आ सके, तो इसकी साइज़ उतनी रखनी है जितना ऊपर ये लॉक हो। दोस्तों, इस तरह से थर्मोकोल पार्ट को हमें डिक्की में इस तरह से ऊपर की साइड लगा देना है, बाद में यह कवर है उसे लगाना है। दोस्तों, इसके सारे लॉक है उसे अच्छी तरह से प्रेस करके लगा देना है। तो दोस्तों, ये भी परफेक्टली फिटिंग हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उस मारने पर भी यह आवाज़ नहीं करेगा। दोस्तों, इसको अंदर से सपोर्ट मिल जाता है, बाद में क्या है रफ रोड पे भी आवाज़ नहीं करता है। तो दोस्तों, इसी प्रोसेस हमें करना है सब डोर पर। तो
दोस्तों ये प्रोसेस हमें सब डोर पे करना है ताकि कोई भी डोर में से आवाज़ ना आए। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। मैं ऑटोमोबाइल के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे देते ही रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।